और अब बात एनओसी की। जी हाँ, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले की बहुप्रतीक्षित सड़क के बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। वन विभाग ने इसके लिए एनओसी दे दी है। एनओसी नहीं मिलने की वजह से चक्रधरपुर के इस सड़क का काम अधूरा था, जो अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। और अब जैसे ही एनओसी मिली है तो इलाके के लोग खुश हैं कि लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी वो मांग अब पूरी होने वाली है। सोनुआ गुदड़ी मुख्य मार्ग निर्माण का मार्ग प्रशस्त। भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने दी एनओसी। एनओसी नहीं मिलने के कारण बाधित था निर्माण। 2017 में शुरू हुआ था इस सड़क का निर्माण कार्य। सोनुआ से लोढ़ाई तक निर्माण कार्य हो गया पूरा। राज्य की बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ गुदड़ी मुख्य मार्ग निर्माण योजना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एनओसी मिल गया है। इससे इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजना का कार्य अब जल्द पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कल उसको केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ब्लॉक बनने के बाद वहां तक जाने के लिए सड़क ऑल वेदर रोड नहीं उपलब्ध था। इसकी महत्ता जानते हुए वन विभाग भी तत्परता से इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए और उनके टेक्निकल और स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमने प्रतिवेदन भेजा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने हमें अनुमति दे दी। सोनुआ गुदड़ी मुख्य मार्ग सड़क का निर्माण कार्य 4 साल पहले साल 2017 में शुरू हुआ था। 42 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण योजना में सोनुआ से लोढ़ाई तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण इस सड़क के 28 किलोमीटर हिस्से में अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था। इसे लेकर पिछले एक साल से इस सड़क का निर्माण कार्य भी रुका हुआ था। क्रम में सोनुआ से गुदड़ी रोड का स्वीकृति मिली थी और स्वीकृति मिलने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा था। कुछ किलोमीटर काम होने के बाद जब आगे वन विभाग का अनापति रहा, उसका अनापति नहीं मिलने की वजह से उस रोड को हम लोग कार्य प्रगति नहीं दे पाए थे। मैं धन्यवाद करती हूँ वन विभाग के पदाधिकारी, हमारा आरसीडी के पदाधिकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करती हूँ, उनके प्रति आभार है। सोनुआ गुदड़ी मुख्य सड़क के निर्माण की मांग को लेकर गुदड़ी के ग्रामीण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आजादी के बाद से ही आंदोलन करते नजर आ रहे थे। ये सोनुआ गुदड़ी रोड जो है ये मुख्य सड़क है और इसका वन विभाग यदि एनओसी दे दिया है तो खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत बड़ा राहत की बात है, क्योंकि पिछले 20 बरस से उस क्षेत्र की जनता जो है इस सड़क को लेकर के आंदोलन किया है और पिछला 5/3/2021 को भी हम लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी मंच की ओर से घेरा प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग डीसी को ज्ञापन देने का काम किया। अब देखना यह है कि वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद सोनुआ गुदड़ी मुख्य सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाता है, जिससे गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के 30,000 से ज्यादा आबादी के लोगों को आवागमन की बड़ी समस्या से दूर होने के साथ ही ग्रामीणों तक सभी सुविधाएं पहुँचने में सुविधा होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए चक्रधरपुर से रूपेश की रिपोर्ट।